तो नॉर्मा वर्टिकैलिस में अगर हम देखें तो बोन्स आती हैं फ्रंटल बोन, टू पराइटल बोन्स एंड ऑसिपिटल बोन। सूचर्स में आ जाते हैं हमारे पास, दिस इज कॉरनल सूचर बिटवीन द फ्रंटल एंड टू पराइटल बोन्स, देन दिस इज सैजिटल सूचर इन द मीडियन प्लेन, एंड दिस इज द लैम्डॉइड सूचर। पॉइंट ऑफ जॉइनिंग ऑफ दीज टू सूचर्स इज कॉल्ड एज ब्रेगमा, और ये इसको हम कहते हैं हम लोग लेमडा। ठीक है, तो जो ब्रेगमा होता है वहाँ पे एंटीरियर फ्रंटिनेले होता है, और जो लेमडा होता है उधर होता है हमारे पास पोस्टीरियर फ्रंटिनेले। एंटीरियर फ्रंटिनेले हमारे पास क्लोज हो जाता है लाइक 18 मंथ्स में, और पोस्टीरियर वाला होता है 1 to 2 मंथ्स में। ठीक है, वर्टिकैलिस में हमारे पास ये सूचर्स आ गए और बोन्स आ गई हैं। उसके बाद फॉरमिना पे आते हैं और करेक्टरिस्टिक्स आते हैं, फीचर्स डिफरेंट। ठीक है, तो फॉरमिना पहले बात कर लें तो टू पराइटल फॉरमेंस होते हैं यहाँ पे 2.5 to 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ दिस लेमडा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाते हैं, दोनों बोन्स में आ जाते हैं हमारे पास। उसके बाद फीचर्स में अगर देखें, और इनमें से इमिशरी वेन पास करती है जो कि सुपीरियर सेजिटल साइनस में जाके ड्रेन हो जाती है। इसके बाद हमारे पास अगर वो देखें हम लोग फीचर्स, तो वर्टिक्स इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द सेजिटल सूचर। ठीक है, इसके होता है, और ये जो यहाँ पे इधर दो साइड पे हम होते हैं पैराइटल ट्यूबर या फिर पैराइटल एमिनेंस होती है जो कि मैक्सिमम कन्वेक्सिटीज को शो करती है। और यहाँ पे हम लोग इस तरह करके डायमीटर ले सकते हैं ब्रेन का, मतलब कि विड्थ जो होगी ना सबसे हाईएस्ट विड्थ हो, इस तरह करके हम लेंगे। ठीक है, ऊपर से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये भी हो गया। और बाकी यहाँ पे आपके पास और क्या नज़र आता है, और कौन से फीचर्स हैं, बस यही है। ओ यस, देयर इज अ थिंग, ये जो दो पॉइंट्स, दो पैराइटल फोरामिना है ना, इन दोनों के बीच में ये सेजिटल सूचर होता है। तो इन दोनों के बीच में जो पॉइंट ऑन द सेजिटल सूचर लें तो उसको हम ओबिलियन कहते हैं। और यहाँ पे टेम्पोरल लाइंस भी नज़र आती हैं इस तरह करके दो, और वो इस तरह होती हैं कि दे स्टार्ट फ्रॉम द जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन। ये देखो, ये जाइगोमेटिक प्रोसेस है ना फ्रंटल बोन का, दिस इज द फ्रंटल बोन और ये जाइगोमेटिक प्रोसेस है इसका। तो यहाँ से ये आर्च होती हैं, निकलती हैं और ऊपर जाएंगी, फ्रंटल बोन क्रॉस करेंगी, मतलब पास करेंगी। उसके बाद यहाँ पे जो सूचर आएगा दैट इज कॉर्नल सूचर, उसको पास करेंगी, फिर पैराइटल बोन को पास करती हुई इस तरह करके चली जाएंगी। सुपीरियर जो होती है वो फेड कर जाएगी, और जो इन्फीरियर है वो तो नॉर्मल लैटरलिस में नज़र आएगी कि उधर चली जाएगी जाइगोमा के पास। ठीक है, ये मतलब जाइगोमा नहीं, सॉरी, इसके ये जो सुप्रा मैस्टोइड क्रस्ट होता है ना, इसको ज्वाइन कर लेती है इन्फीरियर। ठीक है, इन्फीरियर। अच्छा, अब ये हमारे पास हो गया नॉर्मा वर्टिकैलिस कंप्लीट। अब हम लोग नॉर्मा वर्टिकैलिस के जो सूचर्स हमने पढ़े थे ना, उसमें एक और सूचर भी आप मेंशन कर सकते हैं जो सेज जो फ्रंटल बोन में इधर बीच में होता है बिटवीन द टू हाफ्स ऑफ द फ्रंटल बोन, दैट इज नॉट क्लोज्ड। वैसे 6 ईयर्स की एज में वो क्लोज हो जाता है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है इस तरह, सही है। और बस इतना इसमें यही है।